તાજેતરમાં નેપાળ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની હેન્ડબોલ ટુર્નામેન્ટ રમાઈ હતી, જેમાં 6 દેશોએ પણ ભાગ લીધો હતો, જેમાં ભારત વતી 2 ટીમ તૈયાર કરવામાં આવી હતી અને ખેલાડીઓને નેપાળ મોકલવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેઓએ ભૂતાન ખાતે સેમિફાઇનલમાં હરાવી ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. નેપાળ સામે ફાઇનલ મેચમાં ટીમ ભારત વિજેતા બની હતી. વિજેતા ટીમના 3 સભ્યો સુરત જિલ્લાના પલસાણાના રહેવાસી હતા. આજે ત્રણેય રમતવીરો વતન પલસાણા આવતા ઢોલ નગારા સાથે પરિવારજનો તેમજ પલસાણા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા તેઓનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. પોખરા નેપાળ ખાતે યોજાયેલી આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં હેન્ડબોલ ઇવેન્ટમાં ટીમ ઇન્ડિયાનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું અને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા હતા. ટીમનું નેતૃત્વ સાહિલ યાદવ અને મિલન શર્માએ કર્યું હતું. તમામ ખેલાડીની મહેનતથી દેશમાં ગોલ્ડ મેડલ મળ્યો હતો, જેથી માતા પિતા પણ ગામ અને મિત્રો પણ ગર્વ અનુભવી રહ્યા છે. મેરા નામ મિલન સતીશ શર્મા હૈ, યે મેરા ફ્રેન્ડ, અમારા સાથમાં ખેલે થે સાહિલ યાદવ, યે રાજીવ શર્મા હૈ. હમ યહાં સે 16 પ્લેયર્સ સુરત કી ટીમ સે ગયે થે, સુરત સે ગયે થે ઇન્ડિયા ટીમ કો રિપ્રેઝેન્ટ કરને કે લિયે પોખરા નેપાલ મે. ઇન્ટરનેશનલ ફોર્થ ટ્યુથ ટેફ્ટી ગેસ ટુર્નામેન્ટ થી, વહાં પે બહોત સારે ઇવેન્ટ્સ થે, હેન્ડબોલ, વોલીબોલ, બાસ્કેટબોલ, જૈસે સારે કી પૂરી ઓલિમ્પિક્સ કી ગેમ્સ હોતી હૈ, સારે ઇવેન્ટ્સ થે વહાં પે. વહાં પે 6 કન્ટ્રીઝ કી ટીમ્સ આઈ થી વહાં પે રિપ્રેઝેન્ટ કરને કે લિયે અપને રિસ્પેક્ટિવ ટીમ્સ કો. वहाँ पे हमने हैंडबॉल की तरफ से हम रिप्रेजेंट किया, हमने रिप्रेजेंट किया था और जूनियर और सीनियर दोनों में हम चैंपियन बने थे. उसके पहले जो हमारा सिलेक्शन हुआ था वो जामनगर में नेशनल टूर्नामेंट थी, जहाँ पे हम चैंपियन बने थे. वहाँ से हमारा सिलेक्शन हुआ था जिसके थ्रू हम लोग वहाँ पे खेलने गए थे. वहाँ पर बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन था, बहुत ही हमें बहुत इज्जत दिया गया, बहुत अच्छा अच्छी तरीके से टफ कॉम्पिटिशन भी थी, अच्छी अच्छी टीमें आई थी और हमें बहुत प्राउड हो रहा है कहते हुए कि हमने इंडिया को जिताया. वहाँ पर सबके बीच हमने गोल्ड मेडल लेकर के आए. मेरा नाम साहिल संतोष भाई यादव है, मैं पलसाना का रहने वाला हूँ. हम लोग का टूर्नामेंट इंटरनेशनल नेपाल पोखरा स्टेडियम पे हुआ था. ये 4th इंटरनेशनल था. हम लोग इसके लिए पहले जामनगर नेशनल्स खेलने गए थे, जहाँ हम चैंपियंस हुए थे, तो उधर से हम लोग सिलेक्ट हुए थे ये टूर्नामेंट के लिए. तो हम लोग को बहुत प्राउड फील हुआ. हम लोग का ये पहली बार है इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ये हमारा स्टार्टिंग है, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. हम तो खेलने गए थे लेकिन हम उधर जीत गए, इसलिए हमको और प्राउड फील हुआ. नेपाल के ही एक होटल में उधर हम लोग का अवार्ड सेरेमनी था, उधर हम लोग को गोल्ड पहनाया गया. हम लोग ने बहुत प्राउड फील किया इंडिया के लिए. हम लोग इधर से 2 टीम गए थे 16 प्लेयर्स के साथ. हमारे पास प्लेयर्स भी कम थे, इसलिए हम लोग को और पैनिक फील हो रहा था अंदर से कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे. फिर भी हम लोग ने हमारा बेस्ट दिया और हम जीत गए, इसलिए हमको बहुत प्राउड फील हुआ. इसको थैंक्स करना चाहिए, हमारे सबसे बड़ा थैंक्स हम लोग हमारे कोच को देना चाहते हैं, भरत सर और विनोद सर, और इसके स्पॉन्सर थे टेफ्टी गैस, तो उनको हम आभार व्यक्त करते हैं. और गवर्नमेंट हमको वहाँ तक पहुँचाया. गवर्नमेंट ने बहुत अलाउंस दिए हम लोग को कि इसका सर्टिफिकेट तुमको वैलिड रहेगा, उसके लिए हम गवर्नमेंट के भी बहुत आभारी हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. हाँ, अशोक शुक्ला, हमारा लड़का गेम में बहुत खुशी है सर. कहाँ गया था वो? नेपाल गए थे सर, बहुत खुशी है, जीत के आए हैं सर. हार्दिक स्वागत आप लोगों का है सर, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी होगा. रमेश खंबाती, दिव्यांग न्यूज, कड़ोदरा, सूरत.